Hello students, today we will start the new chapter from your civics book, and that is chapter number 6, Rural Administration. Children, from the name itself we can understood that in this chapter we are going to study about the administration of the rural areas or the village areas. Okay, so administration means how the villages or the rural people are governed. किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे लॉ फॉलो करवाया जाता है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. इंडिया में मोर देन 6 लाख विलेजेस आर देयर इन इंडिया, एंड इफ टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क फॉर अ गवर्नमेंट. इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट हैज ऑल्सो यहाँ की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते, क्योंकि इस एरिया में अगर कोई
All person in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. And it is the responsibility of police of that station to inquire, to investigate and take the action on the cases of this area. Understood? So, ये police का ही काम होता है अपने area की रक्षा करना. अगर वहाँ पे कुछ होता है तो उसके बारे में investigation करना, case तर register करना, ये सारा काम उस particular area की पुलिस के काम होता है. Understood? So, यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है रघु और ये पुलिस वाला बैठा हुआ है. Then investigating that Mohan showed him his injury, but the SHO जो वहाँ का head है वो उसको believe नहीं किया. क्यों नहीं believe किया? कर रहा है work of the police station. SHO क्या होता है? Station house officer. ठीक है. When they reached to the police station, तो जो वहाँ का person in charge है, जो in charge है, जो head है उस station का, उसको बोलते हैं SHO. उसको बताया गया कि क्या क्या हुआ, लेकिन SHO कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है. वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये फालतू की वेस्ट ऑफ टाइम है. ओके. SHO जो ये SHO बैठा हुआ है, Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why he was complaint was not being recorded. वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि SHO उसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा और क्यों जो है उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा, जबकि Mohan को जो जिनके साथ बेटा सामने मारा गया था वो उसको भी लेकर आया. सब ये सारा एविडेंस उसको बता रहा है, उसके बाद में भी उसका ऐसा नहीं हो रहा है, केस रजिस्टर नहीं हो रहा, उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. Now you saw that Mohan and Raghu were arguing meeting whether the common boundary of their field have been shifted. So बेटा यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं in the chapter that how the situation arises in the village. किस तरह की situation arise होती है, कैसे लड़ाई झगड़ा होता है और अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो हमको कहाँ report करना है, तो कौन person के पास जाकर हम report करें, क्या कौन person काम करेगा, SHO कौन